कि जब एलजी साहब ने भाषण शुरू किया, ये सारे खड़े हो गए नारे लगाने, क्या कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, और पीछे से दो जने कह रहे थे दारू की दुकानें बंद करो। अब इनको भी नहीं पता आज नारे किस चीज के लगाने, ऊपर से आया तो था तो दो जने कह रहे थे दारू की दुकान बंद करो, आगे वाले कह रहे थे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, फिर दूसरे वाले ने कहा बे आज कश्मीर आज कश्मीर वाला नारा लगाना है। तो जैसे रैलियां होती हैं उसमें कुछ टीवी वाले माइक लगा देते हैं कि हाँ जी किस लिए आए हो, तो वो यूं यूं देखता है किस लिए। क्या हाल बना दिया इनका, इसलिए थोड़ी राजनीति में आए थे एक पिक्चर आई थी बंटी और बबली, उस पिक्चर में एक सीन था कुछ लोग एक नेता के घर के सामने जाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, नेता बाहर आता कहता क्या मांगे हैं, तो सारे एक दूसरे की तरफ, इनको पता ही नहीं क्या मांगे। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके, पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे, पिक्चरों के पोस्टर अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे, घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो, पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। आठ साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने आठ साल में कोई काम नहीं किया, आठ साल खराब कर दिए। बताओ विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे YouTube पे डाल दो फ्री हो जाएगी, टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो, इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो YouTube पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर, टैक्स फ्री की क्या जरूरत है, YouTube पे क्यों नहीं डाल। कल एक मैंने अखबार में पढ़ा हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक MLA था, उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब कश्मीरी पंडितों के नाम पे कोई कुछ लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया, आंखें खोलो क्या कर रहे हो तुम लोग।